हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनएस फूड जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी के पराठे। मेथी के पराठे के लिए मैंने सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा लिया है। 1 कप के अराउंड मैंने मेथी ली है, जिसे मैंने फाइन चॉप करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है, हल्दी पाउडर मैंने, गार्लिक जिसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली मैंने लिया है, ज़ीरा लिया है, मैंने नमक लिया है, मैंने घी लिया है, आप इसके बदले तेल भी यूज़ कर सकते हैं। परथन के लिए मैंने सूखा आटा लिया है। सबसे पहले हम अपना आटा गूंथते हैं। इसके लिए मैंने आटे में मेथी ऐड किया है, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें हल्दी और मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हमने ज़ीरा, लहसुन और ग्रीन चिली ऐड किया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक आप ऐड कर सकते हैं। इसे हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और इसे अच्छे से डो बनाना है। मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। ये हमने आटा गूंथ लिया, इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप सेट होने देंगे। ये हमारा आटा सेट हो चुका है। आइए अब हम अपना पराठा बनाते हैं, जिसके लिए मैंने तवा लिया है। हम अपना तवा गरम होने देते हैं। मैंने आटे की एक मीडियम साइज़ की बॉल बनाई है, इसमें मैंने परथन लिया है। अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। मैंने इसे रोटी की शेप दी है, आप चाहें इसे स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हमने बेल लिया है, हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम इसे तवा पे डालते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम इस पर घी लगा रहे हैं। मैंने एक साइड घी इसे मैं स्प्रेड कर देती हूँ, आप चाहें तो स्पून से घी लगा सकते हैं। अब हम इसकी साइड पलटते हैं, इस साइड भी मुझे घी लगाना है। और हमने इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से पकाना है। ये हमारा पराठा पक चुका है। मैंने इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं तवा से। इसी प्रोसेस से आप बाकी के पराठे भी बना सकते हैं। हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।